लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। उसमें बच्चों हमने पहला एग्जांपल करा था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का। आज उसका हम सेकंड एग्जांपल जो था इन्वर्जन ऑफ शुगर वो करते हैं और उसका डेरिवेशन। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर उसमें हमने उसकी इक्वेशन लिखी भी थी C12H22O11 सुक्रोज। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ये कैटलिस्ट हमने ये पढ़ा भी था लास्ट टाइम भी कि ये जो है ये डेक्सोरोटेटरी होता है। और ये जब ब्रेक करता है तो प्रोडक्ट बनते हैं ग्लूकोज C6H12O6। जो ग्लूकोज है ये डेक्सो होता है। C6H12O6 एक बनता है फ्रुक्टोज, ये लीवो होता है। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था कि लीवो एंगल हाई होता है। देन दैट ऑफ ग्लूकोज। जो फ्रुक्टोज का एंगल है वो ग्लूकोज से ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन का ओवरऑल बिहेवियर जो है वो आता है लीवो रोटेटरी। ये क्या है? डेक्सोरोटेटरी। और जो हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है? लीवो रोटेटरी। तो ये एंगल का जो चेंज है डेक्सो से जो ये लीवो जा रहा है चेंजिंग ऑफ बिहेवियर फ्रॉम डेक्सो टू लीवो। डेक्सो से जो लीवो पे ये बिहेवियर आ रहा है इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। भाई सॉल्यूशन जो है वो किस में चेंज हो गया? डेक्सो से लीवो में। अब देखो बच्चों हमने इसका डेरिवेशन करना है। अब देखो ये हम एक ऐसे सर्कल मान लेते हैं, ये हमारा जीरो पॉइंट है, ये 90 है, ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पे नेगेटिव एंगल आ रहा है। यहाँ पे एंगल पॉजिटिव है और इधर जो एंगल है वो नेगेटिव है। अब देखो एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम टी की वैल्यू जीरो है तो सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? सिर्फ वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? सुक्रोज। भाई अभी तक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, तो जब सिर्फ सुक्रोज प्रेजेंट है तो सिर्फ सुक्रोज क्या होता है? डेक्सो। और वो मान लो कि इसका जो एंगल आ रहा है वो कुछ आर नोट है और वो एंगल यहाँ आ रहा है, ठीक है? तो आर नोट क्या है? एंगल इनिशियल ड्यू टू सॉल्यूशन। भाई इनिशियल एंगल जो है जो सॉल्यूशन की वजह से आएगा। अब देखो जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो उसके बाद क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब देखो फ्रुक्टोज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकंड के ऊपर फ्रुक्टोज बनेगा तो एंगल क्या होगा? डिक्रीज। अब देखो किसी टाइम टी के ऊपर सुक्रोज भी बच रहा है, ग्लूकोज भी बन रहा है और फ्रुक्टोज भी बन रहा है। ओवरऑल क्या है? अभी मैंने आपको बताया था इन दोनों में से फ्रुक्टोज का जो एंगल है वो ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? ये इसके पॉजिटिव एंगल को कट करेगा। तो इस टाइम पे जो हम एंगल मान लेते हैं वो है आर टी, तो वो कुछ एंगल यहाँ आ रहा होगा, आर टी एंगल एट एनी टाइम टी। अब देखो
भाई आर नॉट माइनस आर टी, ये हमारे को क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी। भाई टाइम टी के ऊपर कितनी रिएक्शन हो चुकी होगी, यह हमें किससे पता लगेगा कि भाई कितना एंगल डिक्रीज हो रहा है। देखो जितना फ्रुक्टोज बनता रहेगा उतना एंगल क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि ये क्या है, लीवर रोटेटरी है। तो अब इस केस के अंदर अब यहां पे फिर हम किसी टाइम आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, भाई आप ये कह सकते हैं, अब थर्ड जो पॉइंट है एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी सेकेंड, किसी इन्फिनिटी सेकेंड के ऊपर रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, भाई हाइड्रोलिसिस है जो वो पूरा हो चुका होगा। अब कंसंट्रेशन किससे पता लगेगी कि भाई टोटल एंगल के अंदर डिक्रीज कितना आ रहा है, तो आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी क्या बता रहा होगा हमारे को, टोटल चेंज इन एंगल, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो भाई हमारे पास यहां से इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ चुकी है। अब किसी टाइम टी के ऊपर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमें यहां से पता लग जाएगा, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के। तो भाई हमें ए की वैल्यू भी पता लग चुकी है, हमें x की वैल्यू भी पता लग चुकी है, तो अब आप फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज रख सकते हो और वहां से आपका आंसर निकल आएगा। देखो अब वैल्यूज रखते हैं, देखो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन थी k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log a बाय a माइनस एक्स, 2.303 बाय टी लोग। अब ए की वैल्यू हमारे पास किसके कॉल आ रही थी, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, आर नॉट क्या था, इनिशियल एंगल, दैट इज एंगल एट टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड, आर इन्फिनिटी क्या है, एंगल एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी सेकेंड। अब उसके बाद ए की वैल्यू आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, आर नॉट माइनस आर टी। तो अब आप इसको सोल्व कर दो, तो 2.303 बाय में टी लॉग आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी बाय आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट माइनस माइनस प्लस आर टी, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो k की वैल्यू आ रही है वो आएगी 2.303 बाय टी लॉग आर जीरो माइनस आर इन्फिनिटी बाय आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। तो बच्चों यहाँ से ये आपके पास इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की इक्वेशन बनती है। तो ये हमारा कंसर्टेड टॉपिक था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब देखो बच्चों यहाँ तक जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स है इसका ना एक पोर्शन कंप्लीट होता है, अब इसमें आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके देख सकते हो, तो एक दो कंसेप्ट रहते हैं न्यूमेरिकल के जो मतलब आपको हेल्पफुल हो सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और जो कंसेप्ट इसमें एक दो और हैं। अब देखो इसमें आपने एक पॉइंट का और ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास रेडियोएक्टिव डिसोसिएशन है, रेडियोएक्टिव डिसोसिएशन का मतलब है डिसोसिएशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। भाई जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं उनका जो डिसोसिएशन है
देखो रेडियो एक्टिव डिसोसिएशन जो है ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। भाई अगर मान लो कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जब वो टूटेगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। तो अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से हैं? एक तो यूरेनियम, थोरियम, कार्बन 14। कार्बन का ये आइसोटोप है कार्बन 14, ये भी रेडियो एक्टिव है। बच्चों आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा कि मान लो कि कोई भी ट्री है जो वो कितना पुराना है, कोई बॉडी जो है डेड बॉडी है उसको देखते हैं कि ये कितने टाइम से है, तो वो सब हम यूज़ करते हैं इस आइसोटोप को यूज़ करके। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि जो डिसोसिएट होने पे अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल एमिट करते हैं। तो यूरेनियम, थोरियम और कार्बन 14 जो हैं ये रेडियो एक्टिव हैं, और जब ये टूटते हैं तो ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो जब भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने हमेशा क्या करना है कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है उसको यूज़ करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो इसमें एक पॉइंट और आता है एवरेज लाइफ का। देखो बच्चों एवरेज लाइफ जो है इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, और ये हमेशा इक्वल होता है 1/k के। तो अगर मान लो कभी भी एवरेज लाइफ का क्वेश्चन आ जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने ये लिखा था कि जो k है वो 0.693/T1/2 के इक्वल आता है। अब आपने हाफ लाइफ पीरियड निकाला था तो हाफ लाइफ पीरियड की ये इक्वेशन बनती थी। तो अगर आप के को यहाँ पे के की वैल्यू को रखते हो तो ये आ जाएगा 1/0.693/k है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 1.44 T1/2। तो ये रिलेशन है एवरेज लाइफ में और T1/2 में। और अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन कहूँ तो ये इसका मतलब है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 67% रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड। 67% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं एवरेज लाइफ। तो अब आपने एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन आता है, मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्वेश्चन आता है, तो यू विल गो फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और उसके अंदर वो आपसे एक पॉइंट पूछ सकता है एवरेज लाइफ। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में 8th चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो वहाँ पे आप सेम टर्म्स यूज़ करोगे और वहाँ पे भी आपको ये यूज़फुल होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो अब देखो इसका एक एग्जांपल करते हैं हम। अब देखो उसने हमारे को स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है After 24 hours, only 0.125 gram of initial quantity of 1 gram of रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्स बिहाइंड। फाइंड हाफ लाइफ। भाई वो हमारे को ये कह रहा है स्टेटमेंट में कि कोई हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, देखो अब देखो स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है कि 24 आवर्स के बाद अगर इनिशियल क्वांटिटी 1 ग्राम है तो सिर्फ 0.125 ग्राम बचता है किसका, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। आपको क्या फाइंड करनी है यहाँ पे, हाफ लाइफ पीरियड। तो देखो हम ये मान लेते हैं कि भाई कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ए,
ये डिसोसिएट होके बना रहा है बी। तो अब एट टी इज इक्वल टू जीरो, यहां पे क्या रखते थे आप, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखो उसने इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे को क्या बताई है, 1 ग्राम। अब वो कह रहा है एट टी इज इक्वल टू 24 आवर्स, जब 24 घंटे बीत जाते हैं तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 1 ग्राम है तो हमारे पास कितनी बचती है, 0.125 ग्राम लेफ्ट। वो हमारे को यही कह रहा है कि 24 घंटे के बाद सिर्फ इतना अमाउंट बचता है इनिशियल कंसंट्रेशन का किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, तो आपने क्या करना है, हाफ लाइफ फाइंड करनी है। तो अब ये टर्म हमारे को क्या बता रही है, ये हमारे को बता रही है ए माइनस एक्स, और ये हमारे को क्या बता रहा है ए। तो जब हम न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, अब देखो वो हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का, फॉर फर्स्ट ऑर्डर जो टी 1/2 है वो किसके इक्वल आता है, 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो भाई अब हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, के की वैल्यू। तो भाई हम पहले क्या करेंगे, इन टर्म्स को यूज करके के की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी के इज इक्वल टू 2.303 बाय में टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। तो भाई अब 2.303 बाय में टी कितना बता रखा है, टाइम कितना बता रखा है उसने, 24 आवर्स इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 1 अपॉन 0.125। भाई अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए है तो ए माइनस एक्स कितना है, 0.125। देखो यहां पे आपने वो टाइम रखना है जो टाइम के ऊपर ये a माइनस एक्स कंसंट्रेशन बची हुई है, तो a माइनस एक्स कितना बच रहा है 24 घंटे के बाद। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, आप इसको सोल्व कर लो। तो इसको आप लिख सकते हो 125 बाय में 1000, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.303 बाय में 24 आवर्स लोग 1000 बाय 125 ये आ जाएगा 8। तो 2.303 इंटू में लॉग 8 की वैल्यू 0.9, ये हमने स्टार्टिंग में लिखी थी वैल्यू सारी 24 आवर्स। हम क्वेश्चन में एक ही बार कट करेंगे फाइनल वैल्यू को, तो आप के की वैल्यू को इतने तक रख सकते हो। अब आप टी 1/2 के अंदर ये वैल्यूज को पुट कर दो, तो टी 1/2 जो है वो इक्वल था 2.303 इंटू में 0.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे पहले जो फॉर्मूला था वो ये था। तो k की वैल्यू 2.303 इंटू में 0.9 इंटू में 24 आवर्स 3, तो ये आ जाएगा 8 आवर्स। तो हमारे पास जो टी 1/2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8 आवर्स होगी। तो बच्चों अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो न्यूमेरिकल है वो इस कंसेप्ट को यूज करके सोल्व करना है। अगर वो आपसे एवरेज लाइफ फाइंड करने के लिए कह देता तो टाउ इज इक्वल टू 1.44 इंटू में टी 1/2, आपने टी 1/2 काउंट कर लिया है तो वहां से टाउ जो है वो इजिली फाइंड हो सकता है। अब इसके बाद इसमें एक टाइप बचती है न्यूमेरिकल की, अगर मान लो कि वो हमारे को ये कह देता है कि कोई डाटा दे देता है और वो हमारे को कह देता है कि बताओ कि भाई ये जो डाटा है ये किस ऑर्डर का है। मैं आपको डाटा लिख के देता हूँ, देखो वो हमारे को ये कहता है कि एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन का जो डाटा है वो ये आ रहा है टी सेकंड में दे रखा है उसने, और वो हमारे को कह रहा है कि जो प्रेशर है वो उसने ले रखा है पास्कल में, और वो ये कह रहा है कि जब टाइम टी की वैल्यू 0 सेकंड है तो जो प्रेशर है वो 5×10³ है। फिर वो कह रहा है कि जब टाइम 100 है तो प्रेशर 4.2×10³ है।
फिर वो कह रहा है कि जब टाइम 200 है तो जो प्रेशर की वैल्यू है वो 3.4 इंटू 10 की पावर 3 है, और जब टाइम 300 है तो प्रेशर की वैल्यू 2.6 इंटू 10 की पावर 3 है। और वो अब हमारे को ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट ऑर्डर रेट इक्वेशन रेट कांस्टेंट और फोर्थ उसने हमारे को कहा है फाइंड करने के लिए हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। अब देखो बच्चों, अब यहां पे उसने हमारे को ये कहा है कि कोई एक रिएक्शन है ए गैसियस जो डिसोसिएट होके बी गैसियस बना रही है, और वो ये कह रहा है कि इस रिएक्शन का जो डाटा है वो ये है। तो अब इस डाटा से आप प्रिडिक्ट करके बताओ कि जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की है, उसके बाद इसकी रेट की इक्वेशन क्या बनेगी, रेट कांस्टेंट क्या आएगा और हाफ लाइफ पीरियड इस रिएक्शन का क्या आएगा। तो देखो अब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए देखो हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमें इस डाटा से ही प्रिडिक्ट करना है कि ये किस ऑर्डर के लिए डाटा बन सकता है। अब इस केस के अंदर लेट मैं पहले जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करता हूं, आप अगर जर्नल इक्वेशन लिखते हो तो ये बनेगा रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर सम एन। एन क्या है यहां पे ऑर्डर, हमें ये फाइंड करना है ये कितना आएगा। ठीक है, अब इस केस के अंदर आपने पहले हम जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, तो जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन ये थी ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब मैं इसको देखो जो हमारे पास ये टाइम टी की वैल्यू जीरो सेकंड है भाई, जब टाइम टी की वैल्यू जीरो सेकंड है तो जब ये जो प्रेशर बता रखा है ये उसने हमारे को क्या बता रखा होगा, इनिशियल प्रेशर। भाई जो हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन के अंदर जो हमारे को टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे प्रेशर आता है उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब गैसियस इक्वेशन है तो पी नॉट माइनस पी टी इज इक्वल टू के टी, भाई इसको हम गैस के लिए लिख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर जो पी नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, 5 × 10³। ये तो गिवन है कि जब प्रेश टाइम टी की वैल्यू जीरो है तो जो प्रेशर है उसको हम क्या लेके चलते थे, पी नॉट। अब इसके बाद लेट मैं इस टाइम के ऊपर इक्वेशन को लिखता हूं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि एट 100 सेकंड मैं इक्वेशन को लिख रहा हूं, तो पी नॉट माइनस, अब आप इक्वेशन को लिख लो 100 सेकंड पे, तो हमारे पास पी नॉट की वैल्यू क्या बन रही है, ये आ रहा है 5 × 10³ माइनस पी टी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, अगर 100 सेकंड पे लिख रहे हो तो 100 सेकंड पे देखो प्रेशर कितना है, 4.2 × 10³ इज इक्वल टू के इंटू में टी, टी की वैल्यू कितनी लेके चल रहे हैं हम 100 सेकंड। देखो बच्चों आपने करना क्या है, आपने डाटा को यूज़ करके के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जब दो के की वैल्यू सेम आ जाएंगी तो रिएक्शन उसी ऑर्डर की होगी। मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का लॉजिक ये है, इफ वाइल सॉल्विंग वैल्यूज टू के वैल्यूज कम्स टू बी सेम देन रिएक्शन इज ऑफ That order of which we are using equation। भाई आप जिस order की equation को use करके k value find कर रहे हो, अगर दो k value same आती है तो जो data है वो उसी order का होगा। तो अब मैंने क्या करा कि पहले t is equal to पहले इस time के ऊपर 100 second पे मैंने k find कर लिया, तो ये आ रहा है हमारे पास। आप देखो power same है तो common आ सकती है,
तो 5 माइनस 4.2 बाय में 100 इज इक्वल टू के। तो अब यहां से इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 इंटू में 10 की पावर 3 बाय में 10 की पावर 2 इज इक्वल टू के। तो यहां से इसको 8 बाय 10 लिख सकते हो, तो 8 इंटू 10 की पावर 3 बाय 10 की पावर 1, इसको 8 बाय 10 अगर लिख रहे हैं तो 10 की पावर नीचे क्या हो जाएगी, 3 इज इक्वल टू के, तो के क्या आ रहा है हमारे पास 8। यूनिट साथ में रखना, पास्कल है तो क्या आ जाएगा पास्कल, नीचे क्या आ जाएगा सेकंड, के यही बनेगा ना। देखो पास्कल ऊपर प्रेशर था, पास्कल नीचे क्या आ जाएगा पर सेकंड। अब इसके बाद फिर जब हम इसको दूसरी के दूसरी टी वैल्यू के ऊपर सॉल्व करते हैं, तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट माइनस पी टी इज इक्वल टू के इंटू में टी। पी नॉट की वैल्यू तो फिक्स है, 5 इंटू 10 की पावर 3 माइनस, अब मैं टाइम लेके चल रहा हूँ 200 सेकंड, तो 200 सेकंड के ऊपर प्रेशर कितना आ रहा है, 3.4 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू टाइम अपॉन आ जाएगा 200 इज इक्वल टू के। तो अब 10 की पावर 3 कॉमन आ गया, 5 माइनस 3.4 करोगे तो ये आ जाएगा 1.6 बाय में 200 इज इक्वल टू के। तो 1.6 इंटू 1.6 को कैसे लिख सकते हैं, 16 बाय 10 इंटू 10 की पावर 2 बाय 200। इस 200 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 और 1 10 की पावर 3, तो इससे तो ये कैंसिल। फिर हमारे पास k की वैल्यू क्या आ रही है 8, तो अब 2k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे सेम। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये गिवन डाटा है ये किसका होगा, जीरो ऑर्डर का। भाई अगर ये जीरो ऑर्डर के लिए ना आता तो फिर हम क्या करते, फर्स्ट ऑर्डर को ट्राई करते। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको हमेशा क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। भाई आप जीरो ऑर्डर के लिए लिखोगे, जीरो ऑर्डर का लिखने के बाद आप फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में अगर 2k वैल्यू सेम ना आती तो आप ट्राई करते फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो अब जीरो ऑर्डर में ही मैच कर गया, तो इसका मतलब है कि जो गिवन डाटा है वो किसका है, जीरो ऑर्डर का। तो यहां से हमें एक चीज तो पता लग गई कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर n की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। तो n तो आ गया भाई जीरो, तो रेट किसके इक्वल आएगा, k इंटू में प्रेशर की पावर नॉट विच इज इक्वल टू k, कंसेंट्रेशन की जगह प्रेशर लिख सकते हैं। तो अब रेट जीरो ऑर्डर के लिए इसके बराबर आ रहा है, तो ऑर्डर तो फाइंड हो गया, एन की वैल्यू जीरो आ गई। रेट की इक्वेशन अगर आप लिखते हो तो रेट किसके इक्वल आ रहा होगा, रेट कांस्टेंट के। अच्छा फिर हमने फाइंड करना था रेट कांस्टेंट, तो के हमने फाइंड कर लिया कितना आ रहा था, 8 पास्कल सेकंड इनवर्स। उसके बाद हमारे को उसने ये कहा था कि इसका हाफ लाइफ पीरियड फाइंड करना है इस रिएक्शन का। तो भाई अगर आप हाफ लाइफ की बात करते हो तो पी नॉट माइनस पी टी इज इक्वल टू के इन टू में टी एट टी इज इक्वल टू टी वन बाई टू। हाफ लाइफ के ऊपर पी टी किसके को लाना चाहिए, पी नॉट बाय टू के। हाफ लाइफ पीरियड हमने पहले भी डिफाइन कर रखा है, इसका मतलब क्या होता है, वो टाइम जिसके ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ कंसंट्रेशन खत्म हो जाए, या प्रेशर है तो इनिशियल प्रेशर जो है वो हाफ खत्म हो जाए। तो ये हमारे पास आ गई पी टी की वैल्यू। तो पी नॉट माइनस पी नॉट बाय टू इज इक्वल टू के इंटू टी वन बाय टू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट बाय टू इंटू में के इज इक्वल टू टी वन बाय टू। तो भाई हमने पी नॉट अभी लिखा था, पी नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 इंटू 10 की पावर 3 ये हमने लिख रखा है, अपॉन 2 इंटू के की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास 8, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टी वन बाय टू के। आप सोल्व कर सकते हो इसको, तो अब इसको सोल्व करने के लिए आप इसको ऐसे लिख लो चाहे 50 इंटू 10 की पावर 2, मैंने एक 10 आगे ले लिया, अपॉन 16 इज इक्वल टू टी वन बाय टू, तो 3.1 इंटू 10 की पावर 2 इज इक्वल टू टी वन बाय टू, और आप साथ में यूनिट रख दोगे तो ये आपके पास हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन का आंसर आ जाएगा। तो भाई एक टाइप जो है वो क्वेश्चन की इसमें ये बसती बनती थी। तो अब अगर मान लो कि वो आंसर जो है वो किसी और यूनिट में पूछ रहा है तो आप कॉरस्पॉन्डिंगली सेम वैसे ही फाइंड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, आप फर्स्ट ऑर्डर का एक क्वेश्चन और करते हैं।
फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो उसने हमारे को स्टेटमेंट के अंदर ये कहा हुआ है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो 40% कंप्लीट होती है, 40% कंप्लीटेड इन 50 मिनट्स। भाई 40% कंप्लीट हो रही है 50 मिनट्स में, आपको क्या करना है, आपको के फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट। और उसके बाद सेकंड वो आपको कह रहा है कि आपको फाइंड करना है इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में रिएक्शन इज 80% कंप्लीटेड। भाई कितने टाइम के अंदर 80% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो उसने सबसे पहले तो हमारे को ये मेंशन कर दिया कि जो ये रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन यूज करेंगे। अब वो पहले कह रहा है रेट कांस्टेंट फाइंड करो और उसके बाद वो टाइम फाइंड करो जिसके ऊपर रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन ये है, k इज इक्वल टू 2.303 बाय में t log a बाय a माइनस x। तो अब देखो वो हमारे को कह रहा है 40% कंप्लीट होती है कितने में, 50 मिनट में। भाई 50 मिनट जो है ये तो मान लो कि टाइम, अब वो कह रहा है 40% कंप्लीट हो रही है तो लेफ्ट कंसंट्रेशन कितनी होगी, जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो होगी 60%। भाई 40% कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना, 60%। तो अगर मैं a की वैल्यू को, इफ a इज इक्वल टू 100 देन a माइनस x कितना होगा, 60। भाई इनिशियल अगर एक पर 100% था तो बची हुई कंसंट्रेशन कितनी है, 60। हमने यहां पे वही रखना है a माइनस x मतलब लेफ्ट कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो अब t टाइम मतलब 50 मिनट के बाद, 50 मिनट में वो कह रहा है 40% कंप्लीट होगी तो बचेगी कितनी, 60%। तो आप सेम वैल्यू को यहां यूज कर सकते हो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 मिनट लोग 100 बाय 60। तो ये क्या आ जाएगा, लोग 10 बाय 6, 2.303 बाय में 50 लोग 10 बाय 6। तो आप लोग 10 बाय 6 को सॉल्व कर सकते हो, तो देखो लोग 10 माइनस लोग 6 हम ऐसे लिख लेते हैं, लोग 10 की जो वैल्यू है ये 1 माइनस लोग 6 की वैल्यू 0.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.2, ये फैक्टर किसके इक्वल आ रहा है, 0.2 के। तो 2.303 इंटू में 0.2 बाय में 50 मिनट, तो ये तो आ गया हमारे पास के, ये के की वैल्यू आ गई। अब देखो फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर रिएक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसके अंदर k की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट वैल्यू ऑफ k विल रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है तो k की वैल्यू भी क्या रहेगी, यहां पे कांस्टेंट। तो अब दूसरे टाइम पे जब हम k यूज कर रहे होंगे तो वो यही वाला यूज कर सकते हैं। अब वो हमारे को ये कह रहा है कि आप वो टाइम फाइंड करो इन व्हाट टाइम रिएक्शन इज 80% कंप्लीटेड, आप वो टाइम फाइंड करो जिसके ऊपर रिएक्शन जो है वो कितनी कंप्लीट हो जाए, 80%। तो मतलब लेफ्ट कितनी रहेगी, 20%। तो अब आपको a माइनस एक्स चाहिए, तो a माइनस एक्स कितना होगा यहाँ पे, 20%। तो भाई फिर वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, k इज इक्वल टू 2.303, अब टाइम फाइंड करना है तो टाइम यहाँ रख लो, अपॉन k log 100 बाय बची हुई कंसंट्रेशन कितनी है, 20। तो ये आ जाएगा 5
2.303 बाय में के की वैल्यू 2.303 इंटू में 0.2 50 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 50 मिनट लॉग 5 की वैल्यू 0.7 आप चेक कर सकते हो हमने पहले लिखी थी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 50 इंटू 7 बाय में 2 कॉरस्पॉन्डिंगली 175 मिनट। तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा वो टाइम का जिस टाइम के अंदर जो रिएक्शन है वो 87% कंप्लीट होगी। भाई आप कैलकुलेशंस करके देख सकते हो, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।